नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मिंग ऑटो चैनल पर रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं। भाइयों आज हम आए हैं भैंसी गांव में और आप देख सकते हैं सचिन अहलावत भाई का गन्ना कड़ा है, बहुत ही शानदार से भी शानदार से बोल दें। और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अच्छे से और कराने के लिए थोड़ा इधर आता हूँ, मैं साइड में दिखाता हूँ। प्रदर्शन परिक्षेत्र में आ रहे हैं 238 इनका, आप देख सकते हैं पूरा एड्रेस फुल दे रखा है इन्होंने। खतौली मिल परिक्षेत्र के नंबर वन फार्मर ये हैं, इनोवेटिव फार्मर जिसे बोल दें। और आज तक मैं जब से मेरी जानकारी में आए मैंने कभी इनकी फसल कम नहीं देखी, ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे 38 ढूंढ गया परेशान हो गया, इनके यहाँ तो लगे 38 दोबारा से जवान हो गया। तो भाई जी से इंट्रोडक्शन कराते हैं, उसके बाद मैं गड़ते हैं। भाई जी नमस्कार, भाई कैसे हो? भाई जी एक बार परिचय करवा दो अपना अच्छे से। मेरा नाम सचिन अहलावत, गाँव महसी, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील खतौली। तहसील खतौली। तो भाई जी पिछली बार भी ऐसा था, सिड्डी लगा लगा बंदा था, और इस बार भी जूना इधर को खड़ी हुई है। पर वैसे तो मैं यहाँ भी दिखा देता, पर चलो आप यहीं पे देख, हाथ आइए ऊपर को। देखो भाइयों नॉर्मल अवस्था में ऐसा जूना यहाँ बन नहीं सकता, सीढ़ी लगा लगा इस बार भी सीढ़ी उठी ना, और जूने भी 1, 2, 3, 4, 5 जूने मार रखे, 6 भी हो सकेगा, कहेंगी 5 ही है। पिछली बार शायद रस्सी वगैरह भी थी कुछ। और भाई साहब एक बात तो बताओ, 38 को तो भारी पड़ रहा मामला बहुत, थारे यहाँ तो मुझे दिख नहीं रहा कुछ, एक से एक अफलातून प्लॉट गड़े, ऐसी कौन सी डोज है, क्या तो भाई रोग रखी आपने, करोगे आप? उसकी अपना पहचान कर लो रोग की, और अच्छी दवाई लगाओ अच्छी कंपनी तो रोकथाम हो जाए। तो आप तो पैटेंट चीजें लगाते होंगे मेरे ख्याल से, बिल्कुल पैटेंट अच्छी कंपनी का उत्पाद लगाते हो, तो स्प्रे वगैरह कितनी देनी पड़ेगी कीटनाशक के नाम पे, या टॉप बोरर आ पोका वोका सबकी देनी पड़े? पोका बोइंग की देनी, टॉप बोरर की, और वो आया था टॉप बोरर वगैरह की दी जाए तो, और कोराजन वगैरह करी यही करी। तो सचिन भाई ये कटी कब थी आपकी? ये फरवरी में कटी थी। तो किसी तरह की फुटाव वगैरह किस तरह कोई समस्या देखने में भी? ट्रेंच का खेत है, बहुत बढ़िया फुटाव हुआ था अपने आप। अच्छा इस बार कैसे कैसे व्यवस्था करी आपने पेडी की? बोर्ड की तो होगी थी, चलो मैं डिस्कशन में डाल दूं, बोर्ड की करनी क्या व्यवस्था कर दी, पेडी व्यवस्था में स्टार्टिंग बताओ आपने करा क्या? पेडी में शुरू में मैंने इसमें वो लगाई थी, तेज आवाज थोड़ी सी, शुरू में मैंने वो लगाई थी मैं एम्पलीगो, एम्पलीगो हाँ जी, टाटा की रिकेश नहीं उसकी है, सिजेंटा की, सिजेंटा वालों की हाँ जी। और फिर मतलब 40-45 दिन से मेरे ख्याल से कवर कर दो, कर दे कोई सुंडी वगैरह नहीं आई। चलो फिर मैंने स्प्रे वगैरह करी माइक्रो न्यूट्रिएंट की, खाद वाद डाला, फिर इसमें एक स्प्रे मैंने जून में करी थी, किस चीज की? लैम्डा थायो, लैम्डा थायो ये करी थी। कोई ग्रोथ प्रमोटर के नाम पे कुछ दिया हो? नहीं ग्रोथ प्रमोटर पे तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है इनका, एरीज का आवे, एग्रोमिन मैक्स आवे, अच्छे हैं वैसे, और कॉम्बिकाल आवे, कॉम्बिकाल भी आता है, ये डाल लेंगे, ये चलाई आपने करी। अच्छा यूरिया से रोग वगैरह बढ़ता है कुछ इस तरह का भी है कुछ? हाँ यूरिया कम डालना बहुत। तो क्या डीएपी वगैरह कुछ बढ़ाई आपने क्या? इसके ऑप्शन कुछ लिया गया बैक्टीरियल वगैरह? नहीं यूरिया कम करा, यूरिया कम करा हाँ जी। तो ग्रोथ में तो बता रहा बहुत बढ़िया मामला इसे बनकर रहा। भाइयों थोड़ा अंदर चलते हैं, अभी अंदर चल के तिमनान से बात करेंगे, थोड़ी सी रोशनी सी कम हो सके पर हिम्मत सी करके देख लियो, ऐसे बदमारी हो हाइड देखो, चलिए पीछे की तरफ बैक में चलियो। भाइयों थोड़ा कैमरा उठा के दिखा रहा हूँ, जम्बू जेड मामला है इसे बोल दें, मैडे भी देखो कितने बड़े बड़े हैं, और गन्ने भी बहुत बढ़िया वाले क्वालिटी वाले लग रहे हैं इसमें, ये देखो इन्हें बोलना है लट, इन्हें में आवे वजन जी ने बोल दें बढ़िया वाला। तो इसमें आरएमडी चलाई थी आपने? बिना आरएमडी के कर दिया, आरएमडी खेत में चलाई थी दूसरे वाले में, उसमें आरएमडी चला के मैंने देखा कि गन्ना बारीक हो जावे, बारीक हो जा फुटा हो जा तो गन्ना बारीक पड़ जा, गन्ना बारीक पड़ जा। अच्छा इसमें 23 बीज भी आपका? हाँ इसमें 23। चलो 23 भी देखते हैं इसी पेडी करने में, पिछली साल इस खेत की वीडियो हमने बनाई थी, अभी इस खेत का पेडी का रिव्यू ले रहे हैं हम लोग, और बहुत बढ़िया 23 कड़ाई से बोल दें, शानदार वाला 23 है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 23 में इसी खेत में सेम 23 नहीं आया भाई जी, 23 अगले कहाँ है, नजदीक है आगे आगे है, देखो उधर आगे हो गए मेरे, कुछ मेरे भी धान आगे से आ रहा था, अंदर एक ही लाइन, एक मिनट चलो पहले मोनिटर कर लो है कहाँ, चलो चलो आ लिया भाइयों 23 में आ लिया अब हम, ये 23 की है, 23 तो बढ़िया हो रहा है, कुल मिला के ठीक चल रहा है इसमें,
ये 23 का गन्ना होगा भाइयों। अच्छा नु बताओ, पिछली बार तो आपने बुआई करी, क्योंकि तो एवरेज लगा नहीं पाए होंगे, रात बादल सुरक्षित नहीं? बढ़िया। तो किसी तरह की जान भी क्या सिखाता है इसमें? नहीं आई, नहीं खड़ा बोर्ड इसका 23 का। ये देखो भाइयों, 23 बोया था इन्होंने सी में से। पर एक बात है भाई जी, एक चीज तो मैं भी कहना चाहूंगा, देखो भाइयों 23, ये 38 के मेड़े या 23 के मेड़े, आप खुद ही बता दो क्या लगा। नहीं तो बढ़िया बीज नहीं थी है? ये जमाव नहीं है इसका, बढ़िया जमाव नहीं है, रोटीली मारा। बाकी मेड़ा भी छोटा, यहाँ से गंडे गिर लोगे तो पूरे रेस में। तब भी आ रहा ये देखो, कुछ तो ऊपर निकले गन्ने, कुछ नीचे रह गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बोरो की देन है, तो बोरो की देन। एक बात हो रहा है सचिन भाई, सचिन भाई एक बात तो है, कुल वाले नुका नाली भर भर चले, मिठास बहुत है, आप गन्ना चूस लो। आज तो मैंने ऐसा गन्ना किसी कोई सी वैरायटी का चूसा नहीं। चलो एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा, आप इसके गन्ने इसे कटो गिन लोगे बैठेंगे? 38 के कौन सा गिन लगा? 38 के गिने भाइयों, कोई से मावे का गिनती मैं स्क्रीन शॉट लेके देख लियो, और इसके तो 23 के तो इनके ही गिन लोगे, तो कोई से मैठे के गिन लो खड़े खड़े। तो क्या लग गया कुछ वजन में थोड़ा बहुत इसे बोकर वालों के लिए, मतलब का जो रस के कुल्लू चला उनके, मतलब उनके फायदे इसे रखोगे कि क्या करोगे? एक गन्ना भी नहीं बोने यार, 38 तुम्हारे काबिल है, तो मेरे ख्याल से आपको तो छोड़ के लाभ है नहीं। नहीं मैं तो 11-0-15 बोऊंगा, रट देना। हाँ चलो ठीक है, अब दूसरा इसकी साथ का खेत कटा हुआ और दिखाता हूँ आपको अभी, उसमें क्या परफॉर्मेंस है। अब दूसरे खेत में जो फ्रंट